नमस्कार पंचायत ताजा खबर को आपण समस्तंकु स्वागत करूछि मु स्मृति लग्ना। दर्शक बंधु आपण जानिछंती पंचायत निर्वाचन पाखि आसुछि, एथिपाई सरगरम होइछि गां राजनीति। प्रार्थी माने प्रचारे लागिछंती, किभळी भोटर को मनाइबे, सेमानक विश्वास जितिबे, एथिपाई अनेक प्रयास करूछंती। अपर पक्षरे एथर जन सचेतनता बढ़िछि, भोटर माने शिक्षागत योग्यता देखुछंती, किए विकास करिपारिबो देखुछंती, पूर्वरु जो माने क्षमतारे थिले काम करिछंती ना नाही से कथा मध्य देखुछंती, एवं काम नकरी गाँ को आसिले घोड़ाइबा पई मध्य भूलु नाहंती भोटर। तो ए माहौल भितरे पंचायत निर्वाचन को नहीं कि देखिबा ग्राउंड रु ताजा खबर। केन्द्रमंत्री विश्वेश्वर टुडुंकर दिनिकिया संबलपुर जिला गस्त कार्यक्रम। नाइट कोच बस रे संबलपुर जाइछंती केन्द्रमंत्री। सकाळु संबलपुर रे पहुंचिबा परे केन्द्रमंत्री विश्वेश्वर टुडुंकु स्वागत जणाइथिले विधायक नाउरी नायक, जिला सभापति गिरीश पटेल, बीजेपी कर्मी। चलित बजेट अधिवेशन को नहीं एक सांबादिक सम्मेलन परे रेंगाली एवं रेढ़ाखोल निर्वाचन मंडल रे प्रचार कार्यक्रम जारी रहिछि। किछि दिन तळे हमर केन्द्र रे जो चलित बर्षर बजेट आगत कराई से बजेट किपर भाव अच्छी से विषय को साधारण जनता निकट में पहुँचापी आज संबलपुर आम गोटे प्रेस मीट अच्छी से प्रेस मीट मध्यम आम जनसाधारण को सूचे देवाई चाहूँ जे ये केन्द्र बजेट आसी साधारण जनता केमती रिषय गोटे रखा। ता छड़ा आमर दुईटा निर्वाचन मंडल ये जो पंचायत निर्वाचन अच्छे आग को से निर्वाचन परिप्रेक्षी भी किसी आमर सभा समिति रही। पुणि फसिले मंत्री तुषारकांति बेहरा, विरोधी बाट ओगाड़ रास्ता नपाई दोकान सहारा नेले मंत्री। पूरी काकटपुर सात नंबर जोन रे प्रचार समय एमती किसी घटना देखा मिली। निर्वाचन पाखि आसुची, विरोधी दल और शासक दल भितर ठेलापेला चली। गाँव को रास्ता नईपारि ना प्रचार गाड़ी पर दुई घंटा पर्यंत ठेलापेला चलला। आउ ए समय दुकान पिंडा को पलि जाइए मंत्री, पर एक बाइक रे बसी फेरी थे मंत्री तुषारकांति बेहरा। भद्रक तिहिड़ी ब्लॉक रो मुकुंदपुर पंचायत रे बीजेडी रे फाटो सृष्टि होई। स्वाधीन भाव में निर्वाचन लड़ुचंती दल रे किछ असंतुष्ट कर्मी। मुकुंदपुर पंचायत रे स्वाधीन भाव में सरपंच पद पई ठिया होईचंती उच्च शिक्षिता सस्मिता मल्लिक। पंचायत को दुर्नीति मुक्त करबा पई से लक्ष्य रखिचंती एवं लोकमानको बुझाउचंती, ता सहित वोट भिक्षा करथिबा कहंती। पंचायत रो अनेक गरीब आवास भत्ता पई नाहंती जहाँ को लेकिन चिंता व्यक्त करिछंती, तेणु एथर निर्वाचन जीतिले सब समस्या को दूर करिबा पई से लोकों को प्रतिश्रुति देइछंती। मोर से गोटे लक्ष्य कि भगवान को आशीर्वाद रु एवं समस्त को सहयोग रु जदि मु जीते सर्वप्रथमे सबुठ निडी लोक सेमती फैसिलिटी जहाँ अच्छी पाई से मो लक्ष्य। निर्वाचन पाखे आसुची, भोटर को मनाइबा को प्रार्थी लागिछंती, भोट हासिल करबा पई विभिन्न उपाय प्रचार करुछंती। एभले एक नियारा प्रचार देखिबा को मिलछि बलांगीर पटनागढ़ ब्लॉक भैसा पंचायत रे। भोटर को आकृष्ट करबा पई केटली धरी लोकों को चा पियाउछंती समिति सभ्य प्रार्थी छंदाचरण साहू। तेबे केटली चिन्ह मिलिथिबारु एभले अभिनव उपाय रे से लोकों को मन जिणिबा पई चेष्टा करथवा देखिबा को मिलछि। केटली चिन्ह रे समिति सभ्य पई उठि जे आपण जितले काना करबे आगे पहला तो मुई जते माने बुढ़ा बुढ़ी अछन तांगर वार्धक्य भत्ता ले मुई पहला स्टेप नेमी। तापर दुई रे ला आमर गाँव रो पानी समस्या, तापर दुई रे रास्ता घाट रो टिके परिमल इटा स्वच्छता रखवाले मुई चेष्टा करमी, आरो आके लोकंकर सेवा करवाले मुई आके बढ़मी। ए बाबद रे आमो आलोचना करिबा रिपोर्टर को सहित कोठु की अछंती, किंतु समय छटिया ब्रेक रो ब्रेक परे फेरिबे एवं आलोचना करिबे हमर रिपोर्टर को सहित।
आम देखुचु पंचायत ताजा खबर विभिन्न जगार आम रिपोर्टर अच्छा सोरूर आम प्रतिनिधि गयाधर साहू जोड़ी होती खोर्धार आम प्रतिनिधि विक्रम स्वयं मध्य जोड़ी होती सीधा सख समस्त पाखक जावाई चाहिए प्रथम खोर्धा प्रतिनिधि आरंभ करी तेब कि भाव में आप देखुं खोर्धार लोक मैंने विशेष भाव में कमी भोट को लेकिन प्रार्थी को लेकिन मुड बर्तमान रही कौन मुद्दा रही विशेष भाव देखु सुतिलका जिते जी निर्वाचन पाखे आसूसी गाँ गंडे राजनीतिक उष्म देखाऊँच जो मैंने प्रार्थी अच्छा से मैंने घर को जाई अभिनव उपाय अवलंबन करुँचार छता चिन्ह रही छता धरिकी प्रचार कलाणी तो जार रही से मछ धरिकी प्रचार करनेक अभिनव उपाय अवलंबन करुँचु मुद्दा कथा आप पचार प्रत्येक गाँव में जो विकास अपहंच रही सरकारी योजन अनेक लोक सामिल होना ताक बर्तमान मुद्दा कर लोक मान निकट को प्रार्थी जाऊँ प्रचार लग पड़ किभल भाव निज सपक्ष में भोट हाते से प्रचार को जोरदार कर पंचायत जो पंचायत में बर्तमान मुझे स्मृतिलग्ना ये हूँ छणघर पंचायत जटणी विधायक सुरेश कुमार राउतराय पंचायत ये घर रही बर्तमान प्रचार मैदान को ओर पुतुरा बो सुचिस्मिता राउतराय चिन्ह छता रही खोला छता धरी से निर्वाचन प्रचार को ओह्लै घर को घर जाए निज सपक्ष में भोट भिक्षा करेतु आगक त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन जो मुद्दा कथा कहतु सरकारी योजना अपहंचक रही विकास लोक मेरे सठिक पहुँची पारे ना लोक निकट में जदि गमनागमन कथा कहतु पीवा पा कथा कहतु भत्ता कथा कहतु आवास योजना घर कथा कहतु एने अनेक विकास अपहंच रही प्राथमिक पर्यायर मुद्दा कर लोक निकट को जाऊँ ए पंचायत जेहेतु विधायक पंचायत रही विधायक पुतरा बहु सरपंच नामांकन दाखल करते प्रार्थी भाव घर को घर जाए सपक्ष में भोट आसुँच से सब कथा मैडम कौन कहे केमी समर्थन मिलूँ जेहतु खोला छता आप रही खोला छता धरी आप घर घर प्रचार मुद्दा कौन रही कौन एजेंडा रही मोर प्रथम मुद्दा हूँ इंदिरा आवास सरकार जो अवहेलू लोक मेरे इंदिरा आवास पहुँची पारूनी से मो ससुर सुरेश कुमार राउतराय मो स्वामी बहुत प्रचेषा करें आग को प्रतिश्रुति दौ आग को चेष्टा करूँ इंदिरा आवास लाट्रीन घर केमती लोक मेरे पहुँचब से मुझे चेष्टा निश्चय करी कौन कहे जेहतु विधायक पंचायत यहाँ विधायक केते विकास करते विकास केते पंचायत रही मुद्दा कौन रही विकास केते खाली इंदिरा आवास ना सरकारी योजना कथा कहतु मु सुरेश कुमार राउतरा पुतुरा बोर बहुत अधूरा स्वप्न रही जाइए विगत पांच वर्ष मो स्वामी सरपंच थे पांच वर्षा गोटे लिमिटेड पीरियड से सफिसीय पीरियड नुहे सब योजना लोक मेरे पहुँची पार बाकी जहाँ स्वामी अधूरा स्वप्न रही जाइए मुझे चेषा करूँ करने देखो विकास विकास केते हिची विकास कौन हो कौन एजेंडा रही सरकारी योजना देखो गोटे आवास योजना कथा कह लोक मेरे बर्तमान जो पक्का घर लोक मेरे पहुँची पारे ना जो स्वच्छ भारत मिशन में पाइना लोक मैंने पाइना पहुँची पारे ना पीवा पानी अनेक समस्या रही कौन प्रमुख मुद्दा रही चलित निर्वाचन में देखो 2017 मसीह मुझे सरपंच थी बहुत किसी कम आगु होता एबे आमे पांच वर्ष भितर बहुत चेष्टा करछु काम करिया पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अवहेलित थिला बर्तमान पंचायत प्रति गाँ गहली ड्रेनेज सिस्टम करछु भगदर करछु मार्केट कंप्लेक्स करछु कल्याण मंडप करछु पोखरी काम करछु आमर गच्छ बहुत गुडा लगाई छि विशेषकर पंचायत को उन्नतमान पंचायत एवं छणहर पंचायत गोटे अग्रणी पर नाप गोटे पंचायत गेट करछु एते काम करिया सत्वे ये सरकारंकर अवहेला प्रशासन अधिकारी मानकर अवहेला राजनीतिक विद्वेष रखी एटी पायखाना कराऊना पायखाना आम बहुत गुटे पायखाना करूँ 243 लोक बर्तमान पायखाना बिल कराऊना कलेक्टर चार चार थर अर्डर कले तथा पायखाना बिल करूना इंदिरा आवास दौना सब योजना चली फनी घर भांगीगला सारा ओडिशा पैसा पाइले कि आम छणहर पंचायत लोक मैंने घर भंगा पैसा पाईना ये सरकार ये सरकार जो कर्मी मानकर प्रशासन अधिकारी मानकर अवहेलाई ना घर भंगा पैसा पाइले ना घर भांगीगला घर खंडे पाइले ना पायखाना खंडे पाइले ये सबूतक अवहेला अच्छी आम कलेक्टर महोदय को चीफ सेक्रेटरी लेवल पर मानव विधायक द्वारा आम जाइलु आम दाबी करूँ उद्यम जारी रखी आगामी दिन में लोक जारी रही किंतु छणभंगा पंचायत रे एबे को अवहेला सामना को आसुची बा को अभाव सामना को आसुची जहाँ दूर करने चाहिए संग्राम जदि जो प्रार्थी छिड़ा होती से जदि जितुं मुख्य समस्या कौन रही संग्राम जहाँ को से दूर करने चाहिए निश्चित देखु जेहतु मुद्दा आपड़ कौन आवास योजना जो इंदिरा आवास कथ योजना कथ कौन पायखाना कथ कौन जदि आप पंचायत निर्वाचन में जितुंच लोक मूँ कौन प्रसिद्ध दौरान
प्रथम प्रतिश्रुति मु लोक मान पाखरे केमती इंदिरा आवास आ लैट्रिन काम पहुँचब से चेष्टा निश्चिंत भावे करी लोक मान गवर्नमेंट रेक योजना आसूचे से लोक मान पाखे पहुँची पारुनी मुझा चेष्टा करतीश्रुति दूँ से लोक मान पाखे केमी पहुँचब मुझे प्रतिश्रुति दूसरी बर्तमान धामनगर जी चाहिए धामनगर आम प्रतिनिधि विश्वजित पलई जोड़ी होती विश्वजित आपण क्यों पंचायत अच्छा से पंचायत समस्या कौन रही कौन विकास कौन बाकी अच्छी हाँ निहाति आभार स्मृति लगा देखूँ वर्तमान पर आम धामनगर ब्लक जो रही दलांग पंचायत निहाती भावर ये विगत दिन ये बीजेपी सरपंच थिला बेले निहाती भाव विकास होती तेब वर्तमान देखा मिली बीजेपी तार प्रार्थी दे युवक मान देखा मिली तेब सब बड़ कथा हूँ वर्तमान पर पंचायत इलेक्शन जेहेतु शेष पर्यायर धामनगर होता बेले जो रही फेब्रुआरी 24 रे पंचम पर्यायर हम तेज निश्चित भाव आम पाखे प्रार्थी अच्छा जिला परिषद प्रार्थी अच्छा सरपंच प्रार्थी अच्छा गाँव रुवक रही विश्वेश्वर टुडुंकर प्रेस मीट उपरे नजर पकेबा कौन प्रसंग रही जानिबा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भाई माने समस्त को मु हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुछि आमे ए निकटरे जानिथिबा केन्द्र सरकार ए जो जानुवारी 31 तारिख रु फेब्रुआरी 11 पर्यंत जो अधिवेशन चली थिला से अधिवेशन समय रे 2022-23 आर्थिक वर्षर बजेट उपस्थापन करिसंती आमे प्राय समस्त याकु विभिन्न गणमाध्यम रे एवं टेलीविजन माध्यम रे मध्य ताकु देखिथिबा 39 लाख करोड़ रोटे बजेट उपस्थापन कराई आगामी जो मार्च 12 तारीख रु आरंभ हे जो बजेट अधिवेशन से ही समय यह गृहीत हो प्रकार विषय अच्छे आम अल्प बहुत समस्ते जाणिथिबा जे जो बजेट प्राय समस्त को सुहेला भाया गोटे बजेट होती विशेष करी जदि आमे देखिबा रेल विभाग सड़क जोटा किए कौच आम NHAI ता छड़ा मोर जो जल शक्ति अच्छी वाटर रिसोर्स जोटा को आम कहे तांगे ड्रिंकिंग वाटर ट्राइबल अफेयर्स एमती तमाम गुड़ाए जो सब्जेक्ट अच्छी जो विभाग अच्छी से विभाग रे प्राय 2020-21 रे जो अर्थव्यवस्था होता एथर मोटामोटी ताठु अधिक व्यवस्था करा जाई जदि आमे रेल विभाग कथा कहिबा आज उड़ीसा को सर्वाधिक 10,000 कोटी पाखापाखी अर्थव्यवस्था करा हेछि नुकन प्रकल्प मध्य हेबार किछि सबुज संकेत मिली ता सांगरे पुरुणा किछि जो प्रोजेक्ट ताकु मध्य संपूर्ण करिवार योजना अछि जदि आमे NHAI कथा कहिबा सेथिरे मध्य अनेक रास्ता नूतन हेबार योजना अछि ता सांगरे जो असंपूर्ण काम को संपूर्ण करिबा एवं एक्सटेंशन काम मध्य किछि अछि सेई परे आमर शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आमर जो ई शिक्षा दान करिबा पई जो प्राइवेट सेक्टर रे ताकु मध्य जो यूनिवर्सिटी लेवल रे करिबा पई चली छि से व्यवस्था मध्य हबो ता सांगरे आमर जो अंगनवाड़ी गुड़ को
सक्षम करने सांगरे स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य से प्रकार मॉडर्नाइजेशन करने छड़ा आमर जो हर घर जल घरे घरे 2023 मसीहा सुधा शुद्ध पानी मिल ए प्रकार मध्य व्यवस्था कराई सांगरे मोर आउ गोटे विभाग अच्छे जोड़ा कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से आमे जानिथिबा शिक्षा क्षेत्र में बेसी गुरुत्व दिया जोटा कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल रो सारा भारत वर्ष रे 700 गोटी विद्यालय 2022-23 आर्थिक वर्ष भितरे सेड़ा शेष होगापी गोटे निर्धारित कराई से भितर ओडिशा रे 87 गोटी रखाई पखापाखि मत लगे गुड़े 25टा रो काम आरंभ हो बाकी से सब कम आरंभ हो छड़ा आमे जानिथिबा भारत वर्ष रे जो जल शक्ति अंडर रे आमर जो नदी संयोगकरण योजना से भितर किछि दिन तले आपण माने समस्ते आमे स्वयं जानिथिबा जे केन बितवा जो प्रोजेक्ट पाखापाखि 44,000 कोटी टंकार जो प्रकल्प ए आर्थिक वर्ष रे 1400 कोटी टंकार अर्थ व्यवराद करा हैछि सेहिपरि आहुरी 5टी नदी संयोगकरण जो योजना माध्यम 5टी डीपीआर प्राय रेडी होगा जाइले से तेणु यही प्रकार जदि आम देखा शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन सबू आमर पर्यटन क्षेत्र में मध्य विभिन्न जगार जो रोपवे सिस्टम पर्वतमाला जोटा कहे पर्वतमाला से क्षेत्र में मध्य रोपवे सिस्टम करिवार एथर बजेट रे व्यवस्था कराई तेणु जदि आम देखा सारा भारत वर्ष रे विशेष करी जो कृषक मानक पाई मध्य एथर गोटे प्रधानमंत्री स्वप्न अच्छी जे रसायन मुक्त केमती हो पार चाष से प्रणाली मध्य चाषी केमी उपकृत हो पारे एवं भल चाष हो पार तार कारण हूँ आज जो सार आम व्यवहार करे धीरे धीरे तार मटीर जो क्षमता कमी जा प्रधानमंत्री इच्छा जे रसायन मुक्त जो प्रणाली रे केमती जदि चाष करा जाई पारिबो चाषी लाभवान हो पारे आमे जो कथा कहते सड़क सड़क जो एनएचआई रे चारिगोटी स्थान रे बहुमुखी लॉजिस्टिक पार्क मध्य पीपीपी मोड रे हेबार व्यवस्था करा जाउछ ता छोड़ा रेलवे रे आमर 400टी वंदे भारत जो ट्रेन से मध्य चलिबार बंदोबस्त करा होउछ। केन्द्रमंत्री विश्वेश्वर टुडुंका प्रेस मीट आप देखुले बजेट उपरे कहते जे बजेट समस्त को सुहाइला भलिया होती विभिन्न प्रकल्प बाबद आलोचना करुले समय छोट ब्रेक ब्रेक पर फेर पंचायत ताजा खबर को तबे पंचायत ताजा खबर रे वर्तमान सोर जीवार समय आसी सोर से आम प्रतिनिधि गयाधर साहू अच्छा गयाधर विशेष भाव में जानवापी चाहिए आपण क्यों पंचायत अच्छा से जगार कौन विकास एवं कौन अभाव रही जा भोटर मान मूड केमती रही प्रार्थी को लेकिन देखो आम बर्तमान अच्छा सोर निर्वाचन मंडल 43 नंबर जोन जो जोन प्रार्थी मैंने अच्छा जो मैंने भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी अच्छा से आसी प्रचार मैदान को आक मान पाखक जाऊँच भोट भिक्षा करभिन्न प्रकार केन्द्र सरकार को योजना को किपरिपर किपरि केन्द्र सरकार योजना विषय बुझाऊँ जो सब असुविधा रही लोक मान विभिन्न रास्ता हूँ पानी जल हूँ विभिन्न समस्या विषय किभल भावे हो पारिना तार किपर से विषय में लोक बुझाऊँ सीधा सड़क आम आलोचना करवा जो अच्छा जिला परिषद प्रार्थी आज्ञा आप आसुंच लोकों सहित मिशुंच केमी कौन लोकंर प्रतिक्रिया रोचे कौन कौन समस्या आपन को जनाऊँच कि ना प्रतिक्रिया तो बहुत रोचे विगत
22 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବହୁତ ପାଣି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡବଲ ଡବଲ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇବାରେ ଯେମାନେ ହକଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ସବୁ ବୁଝୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେତ୍ର ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ରହୁଛି, କେତେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭରସା କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଥିଲା, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ, ମୁଁ ତ କହିଲେ ହେବନି, ତଥାପି ସମସ୍ତେ କହିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ବି କହୁଛି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛଟ ଥିଲେ, ସେ କେବେ କାହାରି ପାଖରୁ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇନାହାନ୍ତି ବା କେବେ କାହାରି ପାଖରୁ ଟଙ୍କାଟେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଭରସାରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ସେମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାମ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରହିଛି ସେ ଅଧୁରା କାମ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି, ସେମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମର ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ BJD ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ସେ ସରକାରକୁ ସରପଞ୍ଚ ସମର୍ଥନରେ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସରପଞ୍ଚ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କି କୌଣସି କାମ କିଛି ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କିଛି ହେଲାନି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ କରାଇଛି ଏବଂ ଟିୱେଲ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ 3 ଗୋଟି ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଏ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି। 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ କହିବେ ଯେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଆମର ତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭୋଟର, ଜଣେ ଯୁବକ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଯୁବକ, ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଦିବାକର ଜେନା, BJP ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯିଏକି ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସାହେବକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ସେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଆମର ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଭରସା କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାରର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଗୟାଧର ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ସୋରରୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକାଶ ହିଁ ଏଥର ମୁଦ୍ଦା ହୋଇଛି, ଯଦି ବିକାଶ ହୋଇଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଯଦି ବିକାଶ ହୋଇନି ଆମେ ନୂତନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଏଥରର ଏଜେଣ୍ଡା। ବିଦା ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।